आशीष एक शेयर देखिए फिनोलेक्स केबल कल एक 3% चला था, ना केवल फिनोलेक्स केबल बल्कि केबल से जुड़ी हुई ज्यादातर कंपनीज, चाहे केईआई हो चाहे फिनोलेक्स हो या फिर इसके अलावा कुछ हमने कोर्ट्स केबल जैसी कंपनीज भी देखी थी, एक तरफा चल रही थी। क्या इनके चार्ट सभी के ठीक लग रहे हैं क्या आपको? स्टॉक अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली उतना ज्यादा बुरा हाल नहीं है ये स्टॉक्स का, और स्पेसिफिकली अगर हम फिनोलेक्स केबल की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा पुलबैक हमने एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमने इस स्टॉक में देखा है। मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में अभी भी ये पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने की संभावना है, हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम होंगे वो एक यहाँ पे पॉइंट होगा कि जहाँ पे मैं सोचूंगा, लेकिन ये स्टॉक मैं मानता हूँ कि करीबन 440 तक जाने की इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो जिनके पास ये पोजीशन है फिनोलेक्स केबल में वो होल्ड करे। नई पोजीशन अगर बनानी है तो आज भी बना सकते हैं, इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा करीबन 411 रुपए का, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 438-440। ठीक है, एक और शेयर भी देखिए वो है MMTC, ये करीब 2% ऊपर था। असल में शेयर की खासियत यह है कि अब ये स्विंग देने लगा है, पहले नहीं देता था, पहले सुस्त पड़ा रहता था, आजकल को ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है ये। खबर तो आपको पता ही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली है सरकार, बढ़ावा देने वाली है, गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी को कुछ कम करना चाहती है, इसका बड़ा बेनिफिशियरी ये है। सरकार कहीं भी अगर फूड इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना चाहती है ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से, तो STC इंडिया और MMTC दो बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि ये सरकारी कंपनीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करती हैं। MMTC का स्ट्रक्चर अलाउ करता है कि मेरे को टिल बजट तक ये शेयर को प्लस करके रखना चाहिए, 45-46 कुछ भी स्टॉप लॉस हो और कम से कम 10-15% मेरे को मिल जाए। आशीष, यस डेफिनेटली एक अच्छा खासा स्टॉक साबित होने की संभावना है। ऊपर की तरफ एक छोटा सा एक लेवल है जहां पे एक रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूं और वो है करीबन 54.5 का। अगर ये स्टॉक 54.5 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक मैं मानता हूँ कि करीबन 63-65 तक भी जाने की इसमें क्षमता रखता है, तो मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दूंगा, एक्युमुलेट करके रखिए। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा 47 रुपीज।